मार महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोला, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मार महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं रहे हैं तो उनका भावात्मक स्वरूप हृदय में विराजमान रहेगा। और घर में ही सेवा नहीं, सेवा सन्मुख नहीं, भगवान के सामने हाथ पवित्र नहीं हो रहे हैं तो भावात्मक स्वरूप हृदय में नहीं आ सकता। पुनः वो स्वरूप हृदय में स्थापित कर दिया भगवान ने। अब ध्रुव जी नहीं बोल रहे, मानव ठाकुर जी बोल रहे हैं। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयच्चखिलश हिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। समझिए, सेव स्वरूप के सन्मुख जा रहे हो आप, हाथ भी उठा रहे हो ना सेवा में, वस्तु भी उठा रहे हो, ये तुम्हारा बल नहीं है, ये उन्हीं का कृपा बल है। जब प्रभु सेवा लेना चाहते हैं तो सेवा की सामर्थ्य प्रविष्ट कर देते हैं। मेरे अंदर, मेरी इंद्रियों में, हाथ पैर चरण सर्व इंद्रियों में संजीवनी शक्ति संचार करने वाले आप हैं भगवान। हम तो वैष्णवों के मुंह से सुनते हैं, और आपने भी अनुभव किया होगा, कोई अशक्य शरीर हो जाए, वृद्ध शरीर हो जाए, अथवा इंद्रियां शिथिल होने लग जाएं, सब कहते हैं इस बात को कि जब स्नान करके सेवा में जाती है ना, कहां से बल आ जाता है। और जो ठाकुर जी की सेवा पहुंच के बाहर निकले, कमर दुख रही है, घुटने दुख रहे हैं, बाहर आते ही जो हमारे शरीर की शक्ति है ना, उसका प्रभाव होता है, और सेवा में जो प्रमेय बल से शक्ति प्राप्त हो रही है उसका अनुभव होता है। ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कल शरीर शिथिल हो जाएगा तो क्या होगा। अरे वो चाहेंगे सो होगा, उनको जब जितनी समय सेवा लेनी है ठाकुर जी का लेनी है। आप तो यही विनती करते रहो, बस कुछ नहीं विनती करनी है। कृपानाथ यहां रखो तो हाथ पवित्र करने, वहां ले जाओ तो हाथ पवित्र करने, चाहे भूतल पर रखो चाहे अपने लीला धाम में कहीं रखो, बस यही विनती है कि जिस दिन इस जगत से आप उठावे उस दिन भी हाथ पवित्र करके जाए, बस सेवा से दूर, क्योंकि मेरा बल आपका ही प्रमेय बल है। मेरे प्राणों में सर्व इंद्रियों में शक्ति का संचार करने वाले आप हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। भक्ति मुह प्रवहता त्वयि मे प्रसंग भूयादनंत महता ममलाशयान सेना येनान्य सोल्वन मुरु व्यसनं भवाभिं निशी भवद्गुण कथा मृतपानमत। भगवान क्षणिक सत्संग मिला नारद जी का तो आज आपके दर्शन हो गए, मुझे सदा भक्तों का संग प्राप्त। भक्तों का संग मिले, उनके मुख से मैं आपकी लीला कथा श्रवण करता रहूं और इस दुख रूप भयंकर संसार सागर से पार हो जाऊं। जब भगवान हृदय में आ जाते हैं ना,
तो देखो कामना बदल जाती है। जब आए थे तो कामना क्या थी कि माता ने तो उतार दिया था गोदी से, मैं परमपिता से राज्य मांगूंगा, कामना लेके आए थे। और भगवान मन की जानते हैं, तभी तो वरदान दिया है। मेरे संघ का स्पर्श हुआ है, तुम्हारा शरीर चिन्मय हो गया है और मैं तुम्हें ध्रुव पद देता हूं जहां कोई नहीं जा सका। अरे पिता के सिंहासन का पद तो बहुत छोटा है, मैं ऐसा आसन दे रहा हूं जहां कोई ना जा सका। जब आए थे तो पद की चाह थी, राज्य की वांछा थी, भगवान ने वरदान दिया है। अंतर्ध्यान हुए, ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, हाय कामना थी तभी तो आज मुझे छोड़ के चले गए, अगर मैं निष्काम होता तो भगवान अपने साथ ले गए होते। सदा भगवतियों का संग कीजिए। चतुर्थ स्कंद में सत्संग की ही महिमा है। सत्संग की महिमा, सदा भक्तों का संग प्राप्त हो। ध्रुव जी वरदान पाके लौटे, सबसे पहले सुरुचि के चरण स्पर्श किए, माता आपकी कृपा से भगवान के दर्शन हुए हैं। जैसे श्री राम वन से लौटे तो पहले केकई के चरण स्पर्श करे, आपकी कृपा से मेरे अवतार का कार्य पूर्ण हुआ। सत्संग की महिमा देखिए, ध्रुव जी का विवाह हुआ, संतति हुई, उत्तम का विवाह नहीं हुआ, यक्षों से युद्ध हुआ, यक्षों ने उत्तम को मार दिया, ध्रुव जी ने संघनाद किया, यक्षों के साथ युद्ध हुआ, तब महाराज मनु ने आकर युद्ध को विराम कराया। तात्पर्य क्या है कि भगवत प्राप्ति के बाद भी सत्संग चाहिए, नहीं तो कभी कभी हम अपने लक्ष्य से भटक जाते। ध्रुव जी युद्ध कर रहे हैं यक्षों से, मनु महाराज ने समझाया, कुबेर से जाके क्षमा मांगी। सत्संग की महिमा है। और आगे आप देखेंगे इसी वंश में प्राचीन वरही को सत्संग मिला नारद जी का, और प्रचेताओं को सत्संग मिला शिव जी का, रुद्रगीत का उपदेश। सत्संग की महिमा है। सदा करोगे संग तो चलो रहेगो रंग, ये रंग ना उतर पा। सदा यही कामना रखो, कब वल्लभी मिले, कब वैष्णव मिले। सुरदा जी के घर जब वैष्णव आए तो क्या गाया था, रसिकन संग छिनक जो होई, कोटि कोटि वासना नासे पातक रहे न कोई। कृष्णा जी के घर वैष्णव पहुंचे, अधिकारी कृष्णा जी, सबको बिठाया और क्या गाया कि सब कहते हैं कि श्रीनाथ जी के अधिकारी की सेवा बहुत सुंदर कर रहे हैं कृष्णा जी। तो कृष्णा जी ने कहा, आज वो विश्वास है गए हो कि श्रीनाथ जी मेरी सेवा मान रहे हैं, अगर सेवा से प्रसन्न नहीं हुए होते तो घर बैठे भगवतियों को कैसे भेजते। गिरधर जब अपनों कर जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। ठाकुर जी अपना लिए हैं, इसकी पहचान यह है कि उसका मन भक्तों की सेवा में लग जाता है। और जब परमानंद जी के घर में वैष्णव आई तो क्या गाया, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, माला तिलक मनोहर वानो त्रिभुवन के उजिया। सदा ये कामना होनी चाहिए, मिले कब शिवल्लभ के प्यारे, मिले कब शिवल्लभ के प्यारे, मिले कब शिवल्लभ के प्यारे, मिले कब शिवल्लभ के प्यारे।
वल्लभ के प्यारे वल्लभी कब मिलेंगे? जिनके हाव भाव प्रीत रस, जिनके हाव भाव प्रीत रस, तीनों लोक ते न्यारे मिले तब श्री वल्लभ के के हाव भाव प्रीत रस, जिनके हाव भाव प्रीत रस, तीनों लोक ते न्यारे मिले श्री वल्लभ के प्यारे, श्री वल्लभ के प्यारे। समुद्र भरे अंग अंगन, कृपा समुद्र भरे अंग अंगन, उछलित रस की धारे, समुद्र भरे अंग अंगन, उछलित रस की धारे, माला तिलक मनोहर बानो, माला तिलक मनोहर बानो, करुणा मैं अनियारे मिले कब श्री वल्लभ के प्यारे। जन्म के तम दुख भाजत, हृदय करत उजियारे, कोटि जन्म के तम दुख भाजत, हृदय करत उजियारे, प्रेम पुल की कंठ भरी आवत, प्रेम पुल सुख उपजावत भारे मिले कब श्री वल्लभ के प्यारे, मिले कब श्री वल्लभ के प्यारे। जापे कृपा करे श्री वल्लभ, जापे कृपा करे श्री वल्लभ, तब इन को अनुसारे, जापे कृपा करे श्री वल्लभ, तब इन को तारे, तब इन को अनुसारे, तब इन को अनुसारे।
रसिक दास इनके विधि पैया रसिक दास इनके विधि पैया दोई दगन के तारे मिले का श्री वल्लभ के प्यारे मिले का श्री वल्लभ के प्यारे श्री वल्लभ के मिले कब श्री वल्लभ के श्री वल्लभ के श्री वल्लभ के बोलो श्री वल्लभाधीश की भगवत भक्त मृत्यु से भयभीत नहीं होता, मृत्यु को भी भगवान की विभूति जानकर मान देता है। ध्रुव जी जब विमान पर चढ़ने लगे तो मृत्यु उपस्थित हो गया, एक बार मुझे अंगीकार कीजिए। ध्रुव जी ये कह सकते थे मैं काल विजयी हूं चले जाओ यहां से, लेकिन मृत्यु को भी मान दिया, ऊपर चरण धर के तब विमान में आरूढ़ हुए। हम जन्म का तो बड़ा आदर करते हैं, जन्मदिन है आज बालक का हमारे घर में, अरे जन्म भगवत इच्छा से हुआ है तो मरण भी तो भगवत इच्छा से है, जो जन्मा है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। और भगवान के वचन पे विश्वास नहीं है, भगवत भक्त का कभी नाश नहीं होता, नमे भक्ता प्रणश्यति। वो जन्म का जैसे आदर करता है वैसे ही मृत्यु को भी मान देता है। और वैष्णव की मृत्यु थोड़ी होती है, वो डोकरी सेवा करती ना घर में, आठ बार काल लौटा दियो, आठ बार काल आया, अम्मा चलो, अम्मा बोली कहां चलो, कहां चलो, अरे उम्र पूरी हो गई तुम्हारी, चलो। अम्मा वापस खींच के बोली आ गए हो यहां, चलो चलो, अरे मैं तेरे संग चली जाऊंगी तो ठाकुर जी का तू जगावे को, जा जगावे की तैयारी कर, चला गया काल, काल को भटका दिया। फिर आयो काल, अम्मा चलो, कहां चलो, देखे ना है सिंगार धरा रही हूं मैं लाला है, मैं कब आऊं, फुर्सत में ही हो, जब जब आवे सेवा करती दिखे, बार बार भगा दे काल। अब मृत्यु का दिन तो निश्चित है, आठ बेर जब काले लौट आयो हो तो वह डोकरी के ठाकुर जी बोले वासे, अम्मा अरे अम्मा ये बार बार जो आवे ना या मैं ही भेजूं। डोकरी बोली लाला या आप भेजो, बोले हाँ क्यों लाला। भगवान ने दोनों हाथ डाल दिए मैया के कंधा पे, धर दिए गले में डाल दिया हाथ, और हंसकर बोले अम्मा तू बहुत लाल दड़ावे बहुत सेवा करे, पर मैं कहा बताऊं, अब तो आंखन से सूझे ना आए, देखते ना आज मेरे कैसो श्रृंगार किया है, नकवे सर तो तेने चिबुक पे धराइए, और चिबुक तूने यहां नासिका पे धरा दी, और जब तेरे सेन को कटोरा दूध को भोग धरे हो ना ऐसे हाथ तेरे कांप रहे, आधा दूध तो तेने मेरे ऊपर ही डाल दिया, अब सेवा नहीं बने तो भैया मैं यहां से भेजू कि अब तेरा शरीर बहुत कृषित है गया है, बहुत शिथिल है गई है, तू तू या के संग चली जाए, और तेरा दूसरो जन्म होएगो नवीन देह लेके आवेगी, मैं फिर तो उसे सेवा न करूं, तू तो शरीर बदले आ, सेवा लायक तरुण देह की प्राप्ति हो जाएगी, और मैं तो उसे अंगीकार कराऊंगा। ये आज्ञा करी ठाकुर जी ने। उसी समय काल आया, अम्मा चलो, डोगरी बोली अब तो चलना ही पड़ेगा, मेरे लाला ने आज्ञा दे दी है। तो वैष्णव की मृत्यु नहीं होती, वो तो शरीर बदल के आते, हमें तो यहां भी सेवा करनी है और वहां भी सेवा करनी है।
यह मांगो गोपी जन वल्लभ, क्या मांगा है? मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिबो दीजे मोई सुल्लभ, यह मांगो गोपी जन वल्लभ। वैष्णव काल से भयभीत नहीं होते, ध्रुव जी के वंश में हुए महाराज अंग, अंग की पत्नी सुनीता जो मृत्यु की पुत्री थी, संबंध के समय पिता में चित्त गया और बहन जैसा दुष्ट पुत्र हुआ, संबंध के समय जैसी चित्तवृत्ति होती है वैसे ही संतान में संस्कार होते हैं। बेन के व्यवहार से सारी प्रजा बड़ी दुखी हुई, महाराज अंग घर का त्याग करके चले गए, ऐसी संतान से तो निसंतान ही अच्छा था। फिर कहा बड़ा अच्छा हुआ कपूत बेटा हुआ है, सपूत में मोह हो जाता है और कपूत हो जाए तो बैरागी जगा देता है। अराजकता फैल गई और ऋषियों के श्राप से बेन की मृत्यु हुई। हन्यताम हन्यतामेश पाप प्रकृति दारुण, अब तो चिंता हो गई प्रजा की रक्षा कैसे होगी, ध्रुव जी के वंश की रक्षा होनी चाहिए और प्रजा वत्सल कोई राजा हो क्या? उस काल में ऋषियों में सामर्थ्य थी महाराज, बेन के शरीर का मंथन किया है। आजकल वैज्ञानिक अथवा डॉक्टर शरीर में धातुओं का विश्लेषण करके बता सकते हैं कि इस शरीर में अमुक तत्व कितना है, कैल्शियम कितना है, आयरन कितना है, ये बता देंगे। और उनसे पूछो इस शरीर में पाप कितना है, पुण्य कितना है, बोले ये हमें मालूम नहीं, ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी आज तक, ये कैसे बता दे? कौन सी धातु कम है ये बता सकते हैं? लेकिन हमारे ऋषियों ने मंथन करके दोष को अलग कर दिया निषाद के रूप में, और जब शरीर पवित्र हो गया वहां आह्वान किया है, जैसे अग्नि कुंड में अरणि मंथन होता है, भुजा मंथन किया। भगवान तो सर्वव्यापक हैं, प्रकट करने वाला चाहिए, जैसे प्रहलाद जी ने खम्मे से प्रकट कर लिए, ऋषियों ने मंत्र शक्ति से भुजा मंथन करके भगवान का आह्वान किया और भगवान प्रजा वत्सल प्रजा रक्षा के लिए पृथु के रूप में और लक्ष्मी अर्जी के रूप में प्रकट हुई। बोलो पृथु भगवान की। भगवान पृथु का राज तिलक हुआ, बंदी जनों ने स्तुति की, पृथु अवतार में जो भगवान ने प्रमुख कार्य किया है पृथ्वी का दोहन, गाय स्वरूपणी पृथ्वी आगे आगे पीछे धनुष बाण लिए भगवान पृथु। पृथ्वी ने कहा आप तो हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, आज धनुष बाण लिए मेरे पीछे, प्रजा के लिए आवश्यक वस्तुएं तुमने क्यों छिपा ली हैं? पृथ्वी ने कहा बैन उनका दुरुपयोग कर रहा था, आप प्रजा को बछड़ा बना के जो वस्तु चाहिए दोहन करके दे दें। अर्थात भागवत में ये कथा आदिदैविक ढंग से कही है, गौ स्वरूपणी पृथ्वी का दोहन करके प्रजा को बछड़ा बना के जो वस्तु जिसको चाहिए भगवान ने प्रदान कर दी। इस पृथ्वी में भरा हुआ खजाना, चाहे वो रत्न हो चाहे वो धातुएं हो, सब प्रकट करी भगवान ने। प्रथु भगवान ने ही हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया, भवनों का निर्माण, नगरों का निर्माण, धान बीजों की का ज्ञान कराया, कृषि की वृद्धि हुई, सारी प्रजा धन संपन्न हो गई। पहले भगवान ने भौतिक उन्नति की और उसके बाद आध्यात्मिक उन्नति के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। राजा यदि यज्ञ करता है तो सारी प्रजा को उसका पुण्य प्राप्त होता है, और जब पृथ्वी पर कोई यज्ञ करता है तो इंद्र विक्षेप डालते हैं, कहीं इंद्रासन न छिन जाए, कुर्सी की चिंता सबको लगी है।
कुर्सी ना चली जाए। भगवान प्रथु ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, इंद्र हरण करके ले गए। प्रथुपुत्र उस घोड़े को लेके आए, आज अश्व को जीत के लाए, इसलिए उनका नाम पड़ा विजिताश्व। बार बार यज्ञ का घोड़ा इंद्र हरण करके ले जाते हैं और इंद्र ने पाखंडी रूप धारण कर लिए। प्रथुपुत्र ने समझा ये धर्मदेव है, और जितने पाखंडी रूप इंद्र ने बनाए थे कलयुग में वही स्वरूप पाखंडियों ने अपना लिए और पाखंड मतों के प्रचार कर दिए। पाखंड क्या है? तानी पापस्य खंडानी लिंगं खंड मिहोच्यते। पाप के खंड ही तो पाखंड है। जब इंद्र की ये चाल भगवान प्रथु को मालूम पड़ी, धनुष बाण लेके चल दिए, उसी समय क्या हुआ, यज्ञशाला में भगवान स्वयं इंद्र को साथ लेके प्रकट हो गए। बोलो हरि भगवान की। प्रथु चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांगो। भगवान भगवान को वरदान दे रहे हैं। वरदाता भी भगवान और वर मांगने वाले भी भगवान। देखिए, जब भगवान दो स्वरूप धारण करते हैं तो हम सबके ऊपर कृपा करते हैं। वरदाता भी भगवान, वर मांगने वाले भी भगवान। भगवान वर मांग के हमें सिखा रहे हैं कि हम तो मांगना भी नहीं जानते। यदि भगवान कहें वर मांगो तो क्या मांगना चाहिए। और यही लीला दूसरी बार कब हुई? सेवक भी भगवान और सेवी भी भगवान। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई, गिरिराज जी में से हजार भुजा धर के प्रगटे, वो भी श्री कृष्ण, और जो पूजा की रीत सिखा रहे हैं वो भी श्री कृष्ण। ये भगवान पूजा क्यों कर रहे हैं? ब्रजवासियों का आश्रय विश्वास दृढ़ करने के लिए है। और यही लीला फिर कलयुग में हुई, सेवा रीत सिखाने के लिए सेवक बन के प्रकट हुए श्री वल्लभाधीश और सेव्य स्वरूप में प्रकट हुए श्रीनाथ जी है। ये कही दोनों वहां वर्णन है, पूजा विधि गिरिराज की गोपाल बतावे। ब्रजवासियों को पूजा विधि सिखा रहे हैं और यहां प्रकट है मार्ग रीत सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनहित जग प्रकट आई। जब जब भगवान सेवक रूप से लीला करते हैं अपने जनों को शिक्षा देने के लिए। बोलो प्रभु भगवान की। भगवान ने वर मांगा, न कामये नाथ तदप्यहं पचीं न यत्र युष्म चरणाम्बुजा सव महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधस्त्व कर्णायुतमेशमे वर। मैं स्वर्ग नहीं चाहता, तुक्ष भोग नहीं चाहता, अरे मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मेरी तो यही प्रार्थना है, सबसे ज्यादा आनंद आपकी कथा सुनने में मिलता है। कथा तो अथाह है लेकिन सुनने के लिए कान दो ही है। हे वरदाता, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, कर्ण अयुत दस हजार कान से मैं आपकी कथा सुनूं, ये वरदान दीजिए, जिससे कथा का आनंद दस हजार गुना और बढ़ जाएगा। न स्वर्ग की चाह है मुझको, न स्वर्ग की, न ब्रह्मा लोक की इच्छा, न मुक्ति चाहता हूं मैं, नमोती बस इतनी दो हरि भिक्षा, दो हरि
सदा भक्तों के संग रहकर, सदा भक्तों के संग रहकर, सुनो नित आपकी लीला, सुनो नित आपकी लीला, उसी आनंद में हर क्षण उसी आनंद में हर क्षण रहे तन मन मेरा गीला, रहे तन मन मेरा गीला, दो कानों से कथा सुनकर, दो कानों से कथा सुनकर, नहीं मन तृप्त होता है, नहीं मन तृप्त होता है, हजारों कान दीजे ना, हजारों कान दीजे ना, मनोरथ एक मेरा है, मनोरथ एक मेरा, मनोरथ एक मेरा है, विधस्त करना युत में शमी वरा। दस हजार कान से कथा सुन, क्या बढ़िया वरदान मांगा है। इसका ये मतलब मत समझ लेना कि उनके सारे शरीर में कान ही कान लटक गए हैं। ये एक भाव है, ऐसा लगे मैं दो कानों से नहीं दस हजार कानों से कथा सुन रहा हूं, कथा में मेरी रुचि दस हजार गुनी और बढ़ जाए। अच्छे काम से किसे तृप्ति होती है, ऋग्वेद में आता है ना, भद्रम कर्णे भी सुनियाम देवा, कान पर कान चाहिए दो से तृप्ति नहीं होती। श्रेयसी केन तृप्यते, अच्छे काम से कौन तृप्त होता है। गोपियां भी तो यही कहती हैं, कैसी सुंदर बंसी बजा रहे हैं, रोम रोम कान क्यों नहीं हो गए, कैसी सुंदर झांकी है, रोम रोम नेत्र क्यों नहीं हो गए। पीछे से गोपी बोली कि दो आंख से दर्शन करो, दो कान से बंसी सुनो, तब तो तुम बावरी है जाओ, और कहीं रोम रोम कान बन गए, रोम रोम नेत्र बन गए, तो तुम्हारी दशा क्या होगी। एक भाव है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि सतयुग में तो एक ही राजा प्रथु थे दस हजार कान वाले, कलयुग में बहुत हैं प्रथु, दस हजार कान वाले बहुत हैं, और उनकी वंदना की है उन्होंने, पुनि प्रणवहु प्रथु राज समाना, पर अघ सुनहिं सहस दस काना। मैं उनको पृथ्वीराज के समान वंदना करता हूं, कलयुगी दस हजार कान वाले कौन हैं, पर अघ सुनहिं, जब दूसरों की बुराइयों को सुनते हैं ना तो उनके कान कितने हो जाते हैं, दस हजार। पर अघ सुनहिं सहस दस कान। ऐसी रुचि कथा में हो जाए तो बुराई बड़े ध्यान से सुनते हैं, और कोई बहन जी जब किसी की बुराई करती है ना, बुरा मत मानना, यहां कोई नहीं है ऐसा, और जगह की सुना रहा हूं, तो मेरी कसम है पूरी बात सुना के जा, देखो मैं घर जा रही हूं 12 बजने वाले, अब पूरी बात सुना जा रहा है, तू कहेगी तो नहीं कोई से, अरे सौगंध मैंने आज तक कही है किसी से, अब 12 चिट्ठा खोला पूरा, कैसा रस आता है। और ऐसा कथा में आ जाए तो नासिक में कथा थी,
बड़ा हॉल था, तो एक बहन जी मेरे पास आई, शास्त्री जी जाने क्या बात है, मुझे कथा याद नहीं रहती, सुबह सुनती हूँ सांझ को भूल जाती हूँ, सांझ की सुनती हूँ सुबह भूल जाती हूँ, ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा बहन जी आप पढ़ के आया करो, जो कथा कल आने वाली है आप पढ़ के आया करो और कथा सुनने के बाद घर जाके सुनाया करो। तो बोली मैंने ये तो करके देख लिया, घर जाके सुनाया करो। बोले सुनाऊंगी तो पीछे घर जाते जाते भूल जाती, क्या उपाय है इनके लिए? मैं ऊपर ठहरा हुआ था, वो हॉल में खिड़की थी, विश्राम के समय क्या हुआ, बहन जी का एक बहन जी से झगड़ा हो गया खूब जोरदार और बहुत अल्लाह मचाया। मैं भूल नहीं सकती वो बात जो 18 वर्ष पहले कही थी, मेरे कलेजे से पार हो गई है। मैं आया ऊपर से दौड़ा हुआ, मैंने कहा सुनिए बहन जी वो कौन सी बात है जो कलेजे से पार हो गई 18 वर्ष पुरानी, आपको अब तक याद है? बोले बात ही ऐसी है वो शास्त्री जी, आप नहीं जानते इन्होंने क्या कहा था मुझसे। मैंने कहा क्या कहा था ये तो आप जानो, लेकिन 18 वर्ष पुरानी बात आपको याद है, बुरा मत मानना, वो इसलिए याद है कि वो बात आपने 10,000 कानों से सुनी थी और मेरी कथा आप दो कान से भी सुन नहीं रही हो, इस कान से सुनी इस कान से निकाल दी, याद कैसे रहेगी? जितनी ज्यादा रुचि होगी ऐसा लगे हम दो कानों से नहीं सहस्त्र कानों से कथा सुन रहे, कथा में हमारी रुचि 1,000 गुनी और बढ़ जाए। आप लोगों की रुचि तो देखते ही बनती है महाराज, 9 से 12 का समय निश्चित किया है और 12:30 हो जाते हैं, और क्यों हो जाते हैं, क्योंकि 9 से कथा शुरू हो ही नहीं पाती है, पूजन आरती सब में आते आते देखो 9:30, 10:10 हो जाते हैं, तो थोड़ा तो समय खींचना पड़ेगा। लेकिन 2 दिन आपकी परीक्षा ली मैंने, बहुत सी जगह क्या होता है जब कथा के विश्राम का समय हो जाता है ना तो श्रोता घड़ी देखते हैं अपनी बार बार, और कोई कोई तो घड़ी मुझे दिखा देते हैं कि अब तो दया करो भूख लग रही है। शिवल्लभाधीश की, भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल